हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, पॉपुलर को लेके किसान इतने उत्साहित हो रहे कि ये मान के चलो 15 दिसंबर को ही पॉपुलर की प्लांटेशन कर दी। देखो कितने उत्साहित हो रहे, 109 वैरायटी लगा दी मेरे भाइयों ने, अब देख लो धुएं ठा दिए। इतने उत्साहित है कि ये मान के चलो 20 दिसंबर की भी वेट नहीं कर रहे, तो इतनी जल्दी इन्होंने पेड़ लगा दिए मेरे भाई। देखो और इन्होंने 13x13 प्लांट लेसन कर रखी है, आप देख सकते हो पेड़ को। देखो अभी पत्ते भी कुछ पेड़ों पे आ रहे थे, लेकिन लगा दिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर प्लांटेशन करना चाहते हो तो आप 20 तारीख से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं भाई पॉपुलर में प्लांटेशन करने में। देखो पर उत्साहित ही है इन्हें भाई को, पिछले साल पौधे नहीं मिले थे, इन्होंने आपको हद कर दी। इन्होंने सोचा सबसे पहले पेड़ लगा दो भाई। देखो आप देखो, ये अभी आज प्लांटेशन करी इन्होंने सरसों में। उत्साहित किसान है, देख लो अभी पॉपुलर के पेड़ लगा के अपना फ्री हो गए। और किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं कि पॉपुलर की जो प्लांटेशन है उनमें किन किन बातों का ध्यान रखे। गोली भाई पकड़ो कैमरा में, आप किसान भाई को थोड़ा बता दो, अभी इधर आ जाओ। तो किसान भाइयों आप देखो, पॉपुलर क्या है, आप बिघे में 40-45 पेड़ लगा रहे हैं मेरे भाई, इससे ज्यादा पेड़ आते भी नहीं, 50 पेड़ इससे ऊपर आते भी नहीं। कुछ किसान भाई ये सोच रहे कि 14x14 पे कितने पेड़ आएंगे, 13x13 पे कितने पेड़ आएंगे, तो कैसे पता करें। मैं आपको बताऊंगा सर, कोई नहीं बता सकता, ना हम बता सकते ना आप बता सकते, क्योंकि सब खेतों का ये मान के चलो अलग अलग नजरिया रहता है। किसी खेत में कहीं नाली आ जाती है, कहीं चक्रोड़ आ जाती है, तो उसके हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं, कहीं पेड़ बढ़ जाते हैं, कहीं कम हो सकते हैं। तो मैं अब आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा आपके खेत में कितनी दूरी पे कितने पेड़ आएंगे, आपके मन में कोई सवाल नहीं रहने की, इससे आप ज्यादा भी किसी पौधे नहीं लेने का और आपका खर्चा घट जाएगा। किसान भाइयों, आप अपने खेत की चौड़ाई और अपने खेत की लंबाई एक फित्ते से नाप लो। अगर आपके खेत की चौड़ाई आ रही है ये मान के चलो 100 फीट, और अगर आप उसे ये मान के चलो 10-10 फीट पे लगाना चाह रहे, तो आपके पेड़ खेत में 10 लाइन बन जाएगी। अगर आप 20-20 फीट पे लगाना चाहे तो आपके खेत में 5 लाइन बन जाएगी। और फिर अगर आपके अपने खेत की लंबाई नाप लो, और लंबाई अगर आपके खेत की 50 फीट आ रही, और अगर आप 10-10 फीट पे लगाना चाह रहे, तो भाई 5 पेड़ आ जाएंगे आपके। उसी हिसाब से आप अपना उसे भाग करते रहो, तो आपसे बिल्कुल एक्यूरेट निकल जाओगा कि आपके कितने पेड़ आ रहे कितने नहीं। आप भरोसा ना पूछो कि कभी आप किसी भाई से पूछ ले यार 14x14 पे 13x13 पे कितने पेड़ आएंगे। आप मेरे भाई सब पढ़े लिखे, आज के दौर में कोई ऐसा नहीं जिसे हिसाब ना आता हो। अगर कोई समस्या हो हमें बता दे, हम कोई भाई आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप अपने खेत की फित्ते से चौड़ाई और लंबाई नाप लो, उससे आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट निकल जाएगा, और आप ज्यादा पेड़ लेने से खर्चा आपका बच जाएगा। और मैं आपको कहूंगा, जैसे आप ये पेड़ लगा रहे मेरे भाई, इसमें 1.5 से 2 फीट का गड्ढा रखो, कम से कम 1.5 से 2 फीट का गड्ढा। और इस पेड़ की ज्यादा ठुकाई ना करो, इसमें मिट्टी गिरने के बाद इसमें पानी दे दो, और जब आपका खेत बता हुआ है, जब इसमें मिट्टी गिर के अच्छी ठुकाई करो, और जो पेड़ की गड्ढे की मिट्टी है, ये मिट्टी भी ना गिरो इसमें, मिट्टी भी आप पास से गिरो, क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी है। जो गड्ढे में मिट्टी निकल रही है वो उपजाऊ मिट्टी नहीं है, उसमें आपके पेड़ की जनरेशन कम होगी, ग्रोथ भी कम होगी। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको देखो कहीं चक्रोड़ आ जा, मतलब कहीं कोई नाली आ जा, तो उसके हिसाब से आपके पेड़ बढ़ जा घट जा। आप ये ना सोचो कोई आदमी सही बता देगा आपको, अपने खेत का आंखों देखा हाल आपको पता है, हमें नहीं पता। आप अपने खेत में कहीं नाली पे लगाना चाह रहे, या किसी पड़ोसी से बचाना नहीं चाह रहे, वहां भी बाड़ लगाना चाह रहे, तो उसका आकलन आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। तो भाई हमने आपको बता दी कि 13x13 पे कितने पेड़ लगेंगे, और 14x14 पे कितने में, आपने खेत की दूरी नाप लो, और उससे आप भाग कर लो, लंबाई की भी और चौड़ाई की भी, किस दिशा में आपको पेड़ लगाने, कितने पेड़ लगाने, पूरा आकलन आपका आ जाएगा। और कैसी भाई मेरी वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताइए किसान भाइयों, धन्यवाद।